वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्ट्रिज को कैसे रिफिल करना है, और ये प्रिंटर की कार्ट्रिज रिफिल करना बहुत अच्छा व्यवसाय है, जिसमें कि आप अगर कार्ट्रिज रिफिल करते हैं डेली की, आपको 4 से 5 कार्ट्रिज बहुत नॉर्मल है कि आपको रिफिल करने के लिए मिल जाएगी, और कम से कम 150 से 250-300 रुपए तक की रिफिलिंग होती है मार्केट के अंदर। अगर आप फील्ड में भी काम करते हैं तो आराम से आप 4 से 5 कार्ट्रिज ढूंढ सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कार्ट्रिज को कैसे रिफिल करते हैं या फिर प्रिंट करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आप मेरे पास कोर्स सीखने आते हैं, बहुत कम बजट का कोर्स है ये, और अगर आप सीखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप डेली के अपने 400-500 रुपए आराम से कमा सकते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल है, और कोर्स की फीस भी बहुत कम है, और एक महीने के अंदर आप कार्ट्रिज को बहुत अच्छे से रिफिल करना जान जाओगे, और कार्ट्रिज के अंदर आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जान जाओगे, और किस चीज को क्या बोलते हैं वो भी जान जाएंगे। जैसे कि मेरे पास आज ये कार्ट्रिज 88A की, मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा, 88A की कार्ट्रिज है, और इसको कैसे रिफिल करना है इसके बारे में जानकारी दूंगा। 88A की है तो इसमें जो टोनर का यूज किया जाता है कुछ इस तरीके से है, और ये 36A 88A और आपके 912 और 328 में भी ये टोनर को हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम रिफिल करते हैं थोड़ा सा सेक कर लेना चाहिए, और ताकि पूरा टोनर हमारा इसके अंदर चला जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 88A की कार्ट्रिज है, इसको कैसे खोलेंगे। तो खोलेंगे आप देखेंगे, इसको रिफिल करने के लिए जो ड्रम वाली साइड है उसका स्क्रू खोलेंगे, और बहुत इजी वे में आपको रिपेयरिंग ये रिफिलिंग सिखाऊंगा मैं आपको। और वैसे तो आप वीडियो देख के भी बहुत बेसिक समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं बताने के लिए। और जब हम ड्रम यूनिट को खोल लेंगे तो आप देखेंगे इसको खोलने के लिए हम इस तरीके से अलग करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको खोल दिया है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगी थी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जो ये हमारे ड्रम के कवर को बंद रखता है। और इसको खोलने के लिए जब हम ऊपर वाला यूनिट निकाल देंगे ड्रम के ऊपर, तो इसको हम आसानी से खोल सकते हैं। मतलब आप देखेंगे दोनों पल्ले हमारे अलग हो गए हैं, और जो हमारा चैम्बर होता है टोनर का वो इसके अंदर होता है, और यहाँ पे हम इंक को डालते हैं। और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका ड्रम लगा हुआ है, और जो वेस्ट इंक होती है इसमें भी एक छोटा सा चैम्बर होता है, स्टोरेज होती है, उसको भी हम खाली करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोरेज को खाली कर लेते हैं, जो हमारा वेस्ट इंक है दोनों को हम आराम से निकालेंगे, और ये ब्लेड को भी हम उतार लेंगे, और जो वेस्ट इंक है इसके अंदर होती है वो मैं निकाल दूंगा बाहर। और बहुत कम कॉस्ट की हमारी टोनर आती है, और आराम से मार्केट में आप 150 से 300-250 ले सकते हैं। और आप देखेंगे इसमें जो इंक पड़ी है ये बेस्ट इंक है, मैं इसे फेंक दूंगा, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। देख रहे हैं वेस्ट जो इंक थी मैंने फेंक दी है बाहर को, और यहाँ पे हम इसको भी हम क्लीन कर लेंगे कपड़े से, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे, इससे क्या है क्वालिटी आपकी बनी रहेगी। तो उसको यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे, और जो स्क्रू थे उनको हम कस देंगे। तो दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी में बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं जो टेक्निकल स्किल के लिए हैं, और ये आपके रोजगार के लिए बहुत सहायक होंगे। आप यकीनन जब आपको स्किल आ जाएगा, कोई भी काम का हुनर आ जाएगा, तो आप अपने लिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ये कम बजट के बिजनेस हैं, जहाँ पे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए अच्छा खासा रोजगार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 4-5 कार्ट्रिज डेली की मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप समझ सकते हैं आप आराम से 1000 रुपये इसमें 500 से 1000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। अब बात आती है इस चैम्बर की, जिसमें हम इंक को डालेंगे। तो अब हम इसमें जो मैग्नेट ब्लेड है इसको निकालेंगे, और यहाँ से हम टोनर को इसमें रिफिल करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो स्क्रू है इसको भी खोलूंगा, और इस मैग्नेट ब्लेड में आराम से खोलेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है इसके साथ। ये आपने खोल दिया इस तरीके से, और आप देखेंगे इस प्लेट इस मैग्नेट को हम आराम से उतारेंगे, क्योंकि इसमें पाउडर चिपक के आएगा, और इसको हम रख देंगे यहाँ पे। इसको भी हम कपड़े से साफ कर लेंगे, इसको भी मैं एयर क्लीन करके लाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको क्लीन करके ले आया, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने चैम्बर खोल लिया है, और ये टोनर मैंने पहले सेक कर लिया है, और करने के बाद इसको आप खोलेंगे, और टोनर पे आप कैप लगाएं,
अब आप इसमें आप देखेंगे बहुत बारीक टोनर होता है, थोड़ा इस तरीके से आप डालें, थोड़ा सा आप इसको उठा के फिर से आप इस तरीके से रिफिल करें, पूरा डब्बा इसमें चला जाएगा, करीब ये 70 से 80 ग्राम का होता है और करीब ये टोनर आपका 1200 कॉपी निकाल ही देगा। और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको गियर को घुमाएंगे, आप देखिए ऊपर तक आ गया है, और थोड़ा सा गियर इसको घुमाएंगे हम ताकि जो टोनर है वो थोड़ा सा अंदर चला जाए। थोड़ा आप हिला लें इसे, इसकी जो स्टोरेज है वो छोटी है, पूरी इंक डाल दें आप, अब देखेंगे क्योंकि जब पूरी होगी तभी अच्छी खासी क्वांटिटी में पेज प्रिंट आउट हो पाएंगे हमारे। टैंक बड़ा होता है उसमें आसानी से चला जाता है सारा टोनर, और बहुत हल्के हाथ से करें क्योंकि बहुत बारीक पाउडर होता है, उड़ जाता है, मतलब आपकी सांस से भी अंदर जा सकता है। खत्म हो गया, थोड़ा सा कपड़े से साफ करके इसमें मैग्नेट को लगा देंगे और उसके बाद दोबारा से इसमें एयर लगाएंगे हम। आप देखेंगे जो इसमें गियर वाला साइड है वो ये रहा, और इसको इसमें डाल देंगे और इसको डालने के बाद इसको आपने ऐसे गोल घुमाना है, और पतली सी लेयर आप देखेंगे इसमें टोनर की चढ़ गई है, और मैं इसमें ये कैप है दोनों साइड में कैप जरूर लगानी है, और मैं इसे अभी थोड़ा सा एयर क्लीन करके लाऊंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने एयर क्लीन करा लिया है, और अभी मैंने साफ किया तो इसके ऊपर कोई भी पाउडर नहीं है, लेकिन जब मैं इसको घुमाऊंगा तो आप देखेंगे ब्लैक कलर की एक लेयर आ गई है जो कि मैंने टोनर रिफिल किया था। हल्का सा घुमा के देख लें, स्मूथ घूमना चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें इसको लगा लेंगे, और आप देखेंगे जो यहाँ पे मैग्नेट है गौर से देखें, यहाँ पे हाफ कट है इसके अंदर, और जो ये प्लास्टिक का है इसमें भी हाफ कट है, तो ये हाफ कट के हिसाब से ही लगेगा और जबरदस्ती नहीं लगाना है आपने इसे। तो मैं देखूंगा इसका कट का निशान किधर को है, नीचे को है, तो मैं इसको घुमाता हूँ क्योंकि अभी इसकी अलाइनमेंट सेट नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी मैग्नेट रॉड को बाहर निकाल लिया है, और इसमें हाफ कट होता है, और इस हाफ कट को मैं इसमें देख के लगाऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लग गया, और इसको मैं इसमें पुश कर दूंगा। और देख सकते हैं आप ये लॉक हो रहा है, ये बैठ गया है, और बैठ जैसे कि आप देख रहे हैं ये लग गया है, और इसके इसके ऊपर एक स्क्रू है उसको हम कस देंगे। और जो ये यूनिट है ये हमने पहले क्लीन कर ली है, और आप देखेंगे इसको लगाने के लिए एक चीज देखनी है आपने, जो गियर यूनिट यहाँ पे है वही ड्रम में भी है, तो ये गियर यूनिट इसी साइड में लगेगी, तो उसको लगाने के लिए ये इस तरीके से देखेंगे ये लॉक यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे लॉक हो गया है, और ये भी अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो इसको होल्डर को ड्रम के ऊपर लेके आता है, जो कि स्प्रिंग यहाँ लगी है, हमें थोड़ी सी इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि ये स्प्रिंग इसको दबा सके, और इसको लगाना होगा, तो मैं इसको लगाता हूँ इसमें। और जो चिमटी से मेरे को इसको स्प्रिंग को लगाना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये स्प्रिंग है, और ये इसके ऊपर आ गया, तो देखते हैं अभी
कार्यक्रम देख सकते हैं स्प्रिंग काम कर रहा है हमारा, ये इसके ऊपर आ गया है और अब ये एक स्क्रू यहाँ पे ये है। तो दोस्तों आप अगर कार्टेज रिफिलिंग केवल कार्टेज रिफिलिंग करना भी सीखते हैं तो आप अपने लिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और सेवा कम्युनिकेशन में हल्द्वानी में दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी में आपको ये छोटे छोटे कोर्स बहुत कम लागत में बहुत कम टाइम में सिखाया जाएगा। तो देख सकते हैं हमारी कार्टेज तैयार हो गई रिफिल होके और अब ये प्रिंटर में चालू होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंचे, जैसे रोजगार के प्रति जिसको काम की तलाश है वो अपने लिए हाथ का हुनर सीख सकता है और अच्छी अर्निंग कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।